नेताओं ने बातें कहना शुरू कर दी है। कि गुजरात में 26 सांसदों का प्रदेश अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो 48 सांसदों का महाराष्ट्र से क्यों नहीं बनेगा, और जैसा महाराष्ट्र में अभी सरकार बनी है वैसी 2024 में भी प्रधानमंत्री बनेंगे। और मेरी पवार जी को बहुत शुभकामनाएं हैं, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, उनकी पार्टी जब से बनी तब से वो सपना देख रही है, लेकिन उनकी पार्टी 10 पार भी नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि ठीक है, आज आपका जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। दूसरा सवाल है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर सरकार, यहाँ पर 2 साल हो गए, पहले आपने सरकार को जो है दोष दिया जाता था, लेकिन अभी ओबीसी का आंकड़े आप पूछ रहे हैं कि अब 2 साल की सरकार है, जो लोग आप मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे थे वो अभी तक नहीं दे पाए। देखिए, मैं लगातार ये कहता था कि धर्म के आधार पर आरक्षण ये हमारे संविधान में दिया नहीं जा सकता, तब यही कांग्रेस के लोग, एनसीपी के लोग ये कहते थे कि नहीं नहीं मुस्लिम आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब शिवसेना के साथ ये सरकार में आए तो अब उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है उस समय वो ढोंग कर रहे हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, मुस्लिम आरक्षण ये धर्म के आधार पर नहीं दिया जाएगा। हम पूरी तरीके से तैयार है, बीएमसी का भ्रष्टाचार हम बाहर निकालेंगे और जनता हमारे साथ रहेगी। ऐसा है कि पवार साहेबांना माझ्या खूप शुभेच्छा आहेत, आज त्यांचा जन्मदिवस देखील आहे, त्यांचा पक्ष जेव्हापासून तयार झाला तेव्हापासून ते पंतप्रधान पदाचं स्वप्न त्यांचा पक्ष पाहतो आहे, पण ते 10 पार कधी जाऊ शकलेले नाहीत, स्वप्न पाहायला कोणालाही बंदी नाही। माझ्या खूप खूप शुभेच्छा।